जय श्री महाकालेश्वर, जय श्री महाकालेश्वर। बाबा महाकाल की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आप खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा जीवन में आपकी खुशियां बरसती रहें। हम हमारे परिवार डॉक्टर ओमचो की ओर से आप सभी का, आप परिवार के सदस्य हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप इस परिवार के सदस्य हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। और यदि आप इस परिवार के अभी तक सदस्य नहीं बने हैं, चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइएगा चैनल से, ताकि आपको हमेशा अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। दोस्तों कमेंट्स में आपको जय श्री महाकाल लिखना अनिवार्य है। इसलिए अनिवार्य है क्योंकि बाबा का नाम भी ले लेंगे, या जय श्री राम लिख दीजिए, या जिन भी देवी देवता पर विश्वास पूर्ण रखते हैं उनका नाम ज़रूर कमेंट्स में लिखें, क्योंकि इस बहाने आप उन्हें याद करेंगे। ईश्वर को याद करने का एक मौका है आपके पास, तो उस मौके को क्यों गंवाएं। तो इस सिलसिले में हम बात करते हैं तुला राशि। यह मंत्र आपका जीवन बदल देगा या किस्मत बदल देगा। एक मंत्र, केवल एक मंत्र। देखिए दोस्तों, आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही यूनिक जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवाता हूँ कि बहुत से लोग पूछते हैं, देखिए आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि क्यों किस्मत हमारी साथ नहीं रहती। ये आपके मन में नहीं उठता है। कम से कम 13.5 लाख लोगों ने मुझे इस बारे में मैसेज किया, और 13.5 लाख लोगों में जिसमें आपको कीवर्ड मिलेगा, जिसी मैसेज में मैं अगर कीवर्ड टाइप करूँगा किस्मत, तो लगभग उस शब्द का 13.5 लाख बार ऑल मैसेज में प्रयोग किया गया है। तो एक बहुत बड़ा फिगर है किस्मत, किस्मत, किस्मत और बेड लक, लक, ये जो कीवर्ड है, इन कीवर्ड के आधार पर भी मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से परेशान है और पीड़ित है। अगर आपकी राशि तुला है और आप अगर इस चीज़ से पीड़ित हैं, तो आपके लिए एक अचूक उपाय है दोस्तों, जो उपाय शायद आपको किसी ने शेयर नहीं किया होगा और बिल्कुल सामान्य उपाय है जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। उपाय ये है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है शुक्र, और शुक्र जो है वो मानता है हमारे बाबा भोलेनाथ को। तो आपको अपने जीवन में जितनी जल्द हो सके बाबा महाकालेश्वर के दर्शन जरूर करना चाहिए। जरूर इसलिए करना चाहिए क्योंकि भारत का केवल एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुख में है। आप सभी देखना, जितने भी ज्योतिर्लिंग है, पूरब में मिलेंगे, पश्चिम में मिलेंगे, उत्तर में मिलेंगे, लेकिन दक्षिण दिशा में कोई नहीं मिलेगा। तो दक्षिण दिशा में केवल एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो है महाकालेश्वर, और उसके उनके दर्शन मात्र से किस्मत, रोग, दरिद्रता, भय और डिप्रेशन, ये सभी चीज़ें हर लेते हैं वो। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश में उज्जैन ज़िले में, प्रॉपर उज्जैन सिटी है जहाँ पर बाबा महाकालेश्वर का मंदिर है। छिपरा नदी के किनारे हैं और बहुत आसानी से आप वहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल हेल्पिंगफुल नेचर वाले लोग रहते हैं उज्जैन में, बिल्कुल आपकी मदद करेंगे और आसानी से आप दर्शन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल कमेंट्स करें। जय श्री महाकाल।